हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। जिस तरीके से लास्ट वीडियो में मैंने बोला था वीकली एनालिसिस के लिए कि नीचे हम 17,960 से लेकर के एक अच्छा सपोर्ट लेंगे, कहीं ना कहीं उसी लेवल से रिवर्सल देखा गया है। मींस 830 के आसपास का लो लगा के मंडे को, और वहीं से 8,960 के ऊपर की क्लोजिंग, और फिर कल से कल लगभग 100 पॉइंट प्लस की तेज़ी। ये दर्शाता है कि 950-960 बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना है। फिर से नीचे 960 के नीचे जाएगा तभी हम 750 की तरफ जाएंगे। फिलहाल आज मिड सेशन है इस वीक का, तो अब यहाँ पे कौन से लेवल का इम्पोर्टेंट ध्यान देना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल तो 960 ही है डीपर स्टॉप लॉस। लेकिन अगर इसको और ऊपर जाना है, जिसके चांसेज दिख रहे हैं, तो हम इसके ऊपर जाएंगे 17,160 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम अच्छा खासा 200 और 220 तक जा सकते हैं, 17,220 तक जा सकते हैं। स्लोली मूवमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक ब्रेकआउट होने की तैयारी हो रहा है, और 220 के ऊपर सस्टेन और क्लोजिंग हो जाता है तो क्लियर कट 305 तक हम चले जाएंगे बहुत जल्दी। और लेकिन आज का जो सपोर्ट है, सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, 17,086.85 मेजर सपोर्ट है। और जैसे कि कल सुबह का जो हाई लगा था 83 का और फिर नीचे चला गया था, उसी तरीके से 83 का एक मेजर सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो 17,020 से लेकर 17,000 का लेवल एक इम्पोर्टेंट बाई जोन दोबारा से होगा। अगर 17,080 और 85 कटता है तो हम फिर से 17,020 तक जाएंगे, और 17,020 के आसपास आए तो हम 16,960 के स्टॉप लॉस लगा करके ही हम खरीदारी के बारे में सोचेंगे। और ओवरऑल फिर हमारा रेंज यही रहेगा 17,140-45 से लेकर के 16,960 का। लेकिन इस रेंज से इसको निकलना है तो आज इम्पोर्टेंट है कि 17,090 नहीं या 80 नहीं टूटना चाहिए, और ऊपर 17,170, 17,210 और 17,225 के जोन में चला जाता है तो आप एक तरीके से ये सपोर्ट को शिफ्ट कर देंगे कल के लो का स्टॉप लॉस लगा करके। तो ये पार्सली चलते रहिए, स्लोली मूवमेंट में चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मार्केट भी यही चाह रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो मुझे एक स्टॉक अगर इसको चलना है तो SBI पे एक मुझे एक रिवर्सल आज दिखेगा। अगर निफ्टी को ऊपर जिस तरीके से कल रिलायंस ने खींचा, ऐसे ही बैंकों के शेयरों में SBI कहीं ना कहीं एक बाउंस प्ले करेगा, और उसके लिए 530 और 540 रुपये का एक भाव आना चाहिए। स्टॉप लॉस जो होगा कल का लो और 510 के नीचे का पोजिशनल स्टॉप लॉस लगा करके इसको बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी के बेस पर लिया जा सकता है। तो इंडेक्स और बैंक SBI का लेवल वॉच करते रहिए, जो पहले ब्रेकआउट देते और जो डी ब्रेक अगर इंडेक्स ब्रेकआउट दे देता है और SBI आपको नीचे मिलता है तो SBI को लेकर के ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग पर्पस से भी है। अगर मैं किसी और स्टॉक का बात करूं, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, बायोकॉन और PD Light, ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म बॉटम बना चुके हैं, लेना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से है। लेकिन अगर कोई दूसरा अगर स्टॉक में बात करूं, जिस तरीके से आपका SBI का हमने डिस्कशन किया, तो बैंक में ही डिस्कस करते हैं। और ध्यान रखना है 17,000 का लेवल कटता है तो फिर से हम, जैसा हमारा व्यू था कि फ्राइडे तक फिर लोअर लेवल को टच करेंगे, तो आज प्रॉफिट बुकिंग का डे है। अगर ऊपर मिलता ऊपर चला जाता है तो भी प्रॉफिट बुक करेंगे, और नीचे आता है तो फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, कल के गिरावट को बाई करेंगे। तो
बीच में अगर रहता है तो कल वाला प्रॉफिट आज हम बुक करके निकल जाएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन बनाएंगे 17,000 के नीचे, बिल्कुल भी 960 का स्टॉप लॉस लगा के जिसको रिस्क लेना है 17,000 के आसपास आवे, 17,20 के आसपास आवे तो ही बाई करेंगे। 17,090 कटने के बाद लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करना है। 17,000 के लेवल 17,020 के आसपास फिर से सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, और वहाँ पे 16,960 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करना चाहिए। और आज ऊपर 17,170 17,200 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करके साइड लाइन पे खड़ा रहना चाहिए। और कल के ट्रेडिंग सेशन में हम फिर से देखेंगे कि 17,200 17,140 को होल्ड कर लेता है तो कल इवनिंग को या फ्राइडे को खरीदने के बारे में सोचेंगे। तो ये सिंपल सा व्यू है। स्टॉक स्पेसिफिक आपका कोटक बैंक और आपका इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक में 960 970 पे एक सपोर्ट है और कल का लो है 960, और इस वीक का जो लो है एक बार देख लेते हैं 920 के ऊपर का क्लोजिंग, सॉरी 1,020 के ऊपर की क्लोजिंग इसको 1,055 तक लेके जा सकते हैं, 1,055 तक ले जा सकते हैं। सिंपल सा ध्यान रखिए 40,200 पे बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है, 17,150 170 के जोन में रेजिस्टेंस है निफ्टी का। ये दोनों पार कर जाता है, सस्टेन कर जाता है तो स्टॉक स्पेसिफिक आप बॉटम फिशिंग करके पैसे बना सकते हैं, इंडेक्स को छोड़ देंगे। और 17,090 के नीचे कटता है तो कोई भी लॉन्ग पोजीशन मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, एजुकेशनल व्यू है। और 17,000 के आसपास आवे या थोड़ा सा बुलिशनेस दिखे तो फिर हम खरीद सकते हैं 16,960 का स्टॉप लॉस लगा करके। और 17,150 या 200 के आसपास चला जाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे और वेट करेंगे। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक जरूर हम होल्ड कर सकते हैं, अगर 17,140 45 के ऊपर की निफ्टी की क्लोजिंग हो जाती है तो स्टॉक में पोजीशन होल्ड करेंगे, इंडेक्स को इग्नोर करेंगे। कल कहीं डिप पे इंडेक्स पे फिर से एंट्री करने का मौका मिलेगा या फ्राइडे को हम देखेंगे। तो ये रहा एनालिसिस फॉर दिस 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन के लिए। ये मेरा एजुकेशनल लर्निंग व्यू है, प्रॉफिट लॉस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के।